नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने वाला हूं और जिस पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है व्हाई एवरी कंट्री वांट्स गुड रिलेशन विद इंडिया, इंडिया इज इन सेंटर। तो मतलब कि क्यों जो दूसरे देश है या हर देश है वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है और इंडिया इन सबके सेंटर में है, इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। तो चलिए देखते हैं भाई पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कह रही है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर रखने के ख्वाहिशमंद हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर हों। आप चाइना को देख लें, इवन आप रशिया को देख लें, वो चाहते हैं कि उनके साथ ट्रेड हो, इंडिया के साथ ट्रेड हो। बहुत से उनके आपस में इख्तलाफात भी हैं चाइना के इंडिया के साथ, लेकिन फिर भी ट्रेड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्यों नहीं उसके साथ इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर रख पा रहा? देखें, जो इंडिया है ना वो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। हर मुल्क ये चाहता है कि उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छी हो, ठीक है। जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छी होती है तो वो मुल्क खुद ब खुद तरक्की करता है, ठीक है। तो पाकिस्तान भी अच्छे तल्लुकात रखना चाहता है, ये बात नहीं कि नहीं रखना चाहता, लेकिन उधर की जो गवर्नमेंट है, जो मोदी हुकूमत है, वो नहीं चाहती कि ये पाकिस्तान के साथ इनके तल्लुकात अच्छे हों। क्या वजह समझते हैं, मतलब वो क्यों नहीं चाहते? देखें, चाइना के साथ भी उनका इशू है ना, वो उनके साथ चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? मतलब इशू चले अपनी जगह, लेकिन अगर चाइना के साथ वो ट्रेड कर सकते हैं तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं चाहते कि उनके तल्लुकात अच्छे हों? देखें, ये बात एक जिद बन गई है उनकी कि पाकिस्तान के साथ तल्लक नहीं अच्छे रखने। वैसे कोई ख़ास वजूहत नहीं है इतनी, ये कश्मीर का मसला जो पाकिस्तान कहता है कि इसके बगैर हम बात नहीं करेंगे किसी भी तजारत पे या किसी भी माहदे पे, हम नहीं दस्तखत कर सकते, तो माहदा नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहता है कि हम कश्मीर के मामले के हल करने के बगैर, जब तक कश्मीर का मामला नहीं हल होता किसी भी चीज़ में हम तजारत नहीं करेंगे, कोई भी हम डील नहीं करेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का खुद का नुकसान है कि तजारत में कमी आ रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कमी आ रही है? वो चीज़ जो हम इंडिया से 5 रुपये की ले सकते हैं वो हम अगर कहीं दूर से किसी दूसरे कंट्री से लेते हैं वो हमें 50 की पड़ती है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का ये फैसला गलत है? नहीं, बिल्कुल ये बात गलत है कि इंडिया से हमें चीज़ सस्ती मिल सकती है और भी बहुत सारे कंट्री हैं, जैसा कि रूस से हमें वो तेल और गंदम सस्ती मिलने लगी थी, लेकिन बात यह है कि हम गुलाम हैं, ठीक है। जैसे सुभाष शरीफ ने कहा था कि बैगर्स कांट बी चूजर, तो हम उनके मतहत चलते हैं, ठीक है। तो हमें अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी बनानी चाहिए, हर मुल्क खुद हमारे पास आएगा। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती है, हमारे हुक्मरानों की गलती है कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ तल्लुकात ना बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ना किसी के साथ तल्लुकात ख़राब कर सकते हैं। हमें बस यहाँ से वहाँ से इशारे आते हैं और हमने उसके कहने पर चलना होता है। बिल्कुल, देखें ये इमरान खान की हुकूमत चल रही थी तो ये बाहर के इशारों से, बाहर के जो पैसा लगा तो हुकूमत उन्होंने गिरा दी है। ये चोर लटेरे जो हैं सारे उम्रे पे जा रहे हैं, ये किस काम का है इनका उम्रा? अल्लाह को किस लिहाज से जाकर मुँह दिखाएंगे ये कि हम लुटेरे हैं, हम आए हैं आपके दर पे माफ़ी मांगने आए हैं, हमने कौम का पैसा खाया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अदनान नियाज। अदनान नियाज साहब क्या करते हैं? मैं एम फिल स्टैटिस्टिक्स। एम फिल कर रहे हैं, ज़बरदस्त। कम्प्लीट हो चुका है? कम्प्लीट हो चुका है। आगे PhD का इरादा है? नहीं, फिलहाल जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। तो होप्स हो के नेक्स्ट जो एडमिशन ओपन होंगे तो उसमें PhD के लिए आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि दुनिया की कोई भी डेवलप कंट्री देख लें या डेवलपिंग कंट्री देख लें, वो ये चाह रही है इस टाइम पे कि उसके तल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हों, वो इंडिया के साथ ट्रेड करे, इंडिया के साथ उसकी दोस्ती बेहतर हो। क्या वजह समझते हैं सर? इसमें देखें, अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपेरिज़न किया जाए तो जो इंडिया है वो हमसे काफ़ी बड़ा है, इन टर्म ऑफ एरिया और पॉपुलेशन में तो हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो अगर आप देखें, उनके एक मार्केट ज़्यादा है, लेबर वहाँ पे ज़्यादा, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपके जो अर्निंग के चांसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मींस डैट मुझे तो जहाँ तक ये लग रहा है, एक तो अगर पाकिस्तान से दोबारा कंपेरिज़न किया जाए, उनकी इकानमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उनका जो पॉपुलेशन भी स्ट्रॉन्ग है। सो मुझे ये लगता है कि इस वजह से जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को प्रेफर करते हैं। उसमें रीज़न भी ये है कि अब आके जो ग्लोबल सिनेरियो बन गया, कोई भी ये नहीं देखता है कि वो मुस्लिम कंट्री है या नहीं, वो देखते हैं जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। अच्छा, आपने पॉपुलेशन की बात की या रकबे की बात की है कि इंडिया की पॉपुलेशन हमारे से ज़्यादा, बहुत से ऐसे ममालिक हैं, बहुत से ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन शायद उतनी नहीं होगी जितनी मतलब लाहौर जितनी पॉपुलेशन होगी, बहुत कम। आप इसराइल को देख लें और बहुत से ममालिक हैं जिनकी थोड़ी 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 पॉपुलेशन है, वो इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और उनके तल्लुकात मतलब जो तरक्की का एक दारोमदार है
है वो सिर्फ इसके ऊपर होता है, पॉपुलेशन के ऊपर होता है। मैं तरक्की की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट कंपैरिजन कर रहा पाकिस्तान और इंडिया को, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो क्यों इंडिया को प्रेफर किया जाए। अगर आपको नहीं लगता कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज इस तरह की हैं, इस लेवल की हैं कि वो अपने जो उनसे इन्वेस्टर हैं उन्हें तहफ़ फ्राहम करते हैं, उन्हें जो उनसे वो सिक्योरिटी फ्राहम करते हैं, जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि हम जाके अगर इन्वेस्ट करें, अगर हम तल्लुक बनाएं किसी कंट्री से लॉन्ग टर्म तो वो इंडिया हो? नहीं, बिल्कुल ये है उनकी जो, अगर फॉरेन पॉलिसी देखी जाए तो नेहरू के बाद से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल आज़ाद है। अगर आप देखें अमेरिका ने काफ़ी उन पर प्रेशर डाला कि वो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को सेट को इंपोर्ट ना करें, एक्सपोर्ट ना करें, उनके साथ मीन्स डेट के जो उन्होंने यूक्रेन में किया है उसको इम्पोज करें उसको, लेकिन देखें जो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ट्रेड नहीं रोकी। नहीं, और इवन आप देखें वो जो जो है ऑयल और दूसरे गैस है वो उनसे रियायती जो उसका रेट है उस पर ले रहा है इंडिया। तो मेरे ख्याल में ये एक फैक्टर है जो हम पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी वो कभी भी आज़ाद नहीं रही, और लेकिन जब हम इंडिया की, क्या वजह इसकी, मतलब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं आज़ाद हो पा रही है, आखिर किसका कसूर है और क्या कसूर है? देखिए इसमें हमारा अगर देखा जाए तो इसमें जो कसूर है वो हमारे जो पॉलिटिशियन उनका भी है, कुछ हमारे जो के इदारे हैं एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं तो है। उनका भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उनका रोल है। ठीक है, और आपको नहीं लगता हम लोगों का भी बहुत हद तक कसूर है, हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें चाहिए कि हम ये जो सा एक कुएं के अंदर कैद हैं हम बाहर निकलें, सोचें, अवेयरनेस लाएं अपने अंदर, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाएं, और सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया को छोड़ के इंटरनेशनल मीडिया को भी देखें वो क्या कह रहे हैं। हम ये करते हैं जो जी हमारे चैनल ने कह दिया, हम कहते हैं वाकई ऐसा हो रहा है, वाकई ये है वो है, हम बाहर पूरी दुनिया के साथ तो इन टच है ही नहीं प्रॉपर। अच्छा बीच में रोक रहा हूँ, एक जो भाई साहब ने इशारों में बेचारे कह नहीं रहे थे लेकिन तब भी एस्टेब्लिशमेंट की बात कह दी वो कर दी। अच्छा सोचिए पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेसी जिसे आप जमहूरियत कहते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी तो इसका सबसे बड़ा नुकसान वहां पर किसका होगा? जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट का होगा, यानी कि सेना का होगा, और सेना कभी नहीं चाहेगी कि देश का कंट्रोल उसके हाथों से निकल जाए, क्योंकि एक बार अगर देश का कंट्रोल उसके हाथों से निकला तो उसकी फंडिंग कम हो जाएगी। वो जो विदेशों में जाकर बड़े बड़े बंगले बनवाते हैं आपके जनरल साहब जो रिटायर हो जाते हैं वो नहीं होगा, उनके बच्चे जो विदेशों में पढ़ते हैं वो नहीं होगा, विदेशों में जो उनकी प्रॉपर्टीज करोड़ों की अरबों की बनी हुई हैं वो नहीं होंगी। लेकिन लोग अभी भी इन बातों को नहीं समझ रहे क्योंकि सेना इनको बाहर नहीं आने देती। सेना ने मार्शल लॉ लगाने का जो पहले क्यों था, मार्शल लॉ की कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, हमारे पास सारी चीजें रहेंगी, पैसे ये सारी चीजें हमारे हाथ में रहेंगी। अब सेना ने देखा कि भाई दुनिया भर में ऐसे बड़ी बदनामी होती है मार्शल लॉ की और आपको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, तो उन्होंने तरीका बदल दिया। अब वो सेलेक्ट करने लगे कि ये सेलेक्टेड पीएम होगा, जो कठपुतली पीएम होगा, इमरान खान वही थे और बाकी भी हो सकते हैं, नवाज भी हो सकते हैं, शहबाज भी हो सकते हैं, भाई वहां पर सेना से रह के आप पंगा ले नहीं सकते। लेकिन नवाज ने तो खुलेआम, चूंकि नवाज देश के बाहर हैं तो उन्होंने खुलेआम पंगा लिया हुआ है। तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सेना को, इसीलिए वो डेमोक्रेसी को मजबूत सेना नहीं करने देती। और ये सारी चीजें जो होती है ना, फॉरेन रिलेशन हो या अपने पड़ोसी मुल्कों से बेहतर संबंध हो, ये सारी चीजें सिविल जो गवर्नमेंट होती है वो तय करती है, क्योंकि उनको अपने लोगों को भी देखना होता है, आवाम को देखना होता है, बिजनेस को देखना होता है, 50 चीजें देखनी होती है। सेना को इससे मतलब नहीं है, सिविलियन और नॉन सिविलियन ये फर्क है, सेना को इससे मतलब नहीं है। और चूंकि सेना हमेशा वहां पर हावी रही है इसलिए वो कभी छोड़ेगी नहीं, अपनी पोजिशन छोड़ेगी नहीं। इंडिया में ठीक इसका उल्टा है, सेना का काम है सरहदों की रक्षा करना, वो काम करती है, सिविल गवर्नमेंट का काम है हमारे यहाँ के लोगों को, देश को चलाना, लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखना, वो कर रही है। तो ये फर्क है भारत और पाकिस्तान। चलिए जी बिल्कुल इसी तरह ही अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान मीडिया और फॉरेन मीडिया का बड़ा डिफरेंस होता है। हम मोस्टली ये होती है जो कि हमारे हिसाब से न्यूज़ अच्छी होती है हम उनको तो पब्लिश करते हैं, लेकिन जो जहां पे हमारे नेगेटिव पॉइंट शो हो रहे होते हैं हम उनको नहीं पब्लिश नहीं करते। आपको नहीं लगता ये हमारा ही नुकसान है, एट दी एंड हमारा ही नुकसान है जब हम अपनी बुराइयों को साइड पर कर देंगे बजाय बेहतरी उनमें लाने के, बजाय उनको इम्प्रूव करने के, हम ये छुपा देंगे अपनी बुराइयों को तो वो दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। जी बिल्कुल इस तरह होता है, और
इसमें मुझे जो लगता है कि मेजर जो रोल प्ले कर सकता है हमारा मीडिया प्ले कर सकता है अवेयरनेस के हवाले से। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शायद वो इतना आज़ाद नहीं है। मैं आपको ये कहूँगा कि वो इतना आज़ाद नहीं है, या फिर वो जो कि पहले जो हमारा मीडिया था वो बतौर सहाफ़ी जो कि मीडिया को ऑन करते रहे, लेकिन अब वो बिजनेस मैन उन्हें ऑन कर रहे हैं। इस वजह से वो बाज़कात अपने इंटरेस्ट देखते हैं और बाज़कात और ये एक फैक्टर है कि पाकिस्तान का मीडिया इतना आज़ाद नहीं है। तो हम जो अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो अपनी आवाम के साथ शेयर नहीं करते। तो बहुत अच्छी बात की आपने, आपने बोला कि पाकिस्तान का मीडिया इस हद तक आज़ाद नहीं है, हमारी पॉलिसीज इस हद तक आज़ाद नहीं है। तो फिर समझ में नहीं आता कि आखिर हमारी कौन सी चीज़ आज़ाद है, हम कैसे आज़ाद हैं, हम कैसे आज़ाद पाकिस्तानी हैं। ये सवाल है मेरा तमाम पाकिस्तानियों से जो ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अवेयरनेस को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुद के अंदर अवेयरनेस लाएँ। जितनी अवेयरनेस आएगी तो हमें गलत और सही का जो प्रॉपर तौर पर पता चलेगा क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, और फिर हम सही चीज़ को फॉलो करेंगे तो ही तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ज़िशान फैज़ है। ज़िशान फैज़, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ इधर QHS कंसल्टेंसी में और साथ में पढ़ रहा हूँ। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि दुनिया की जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं या डेवलप्ड कंट्री हैं, वो क्यों चाह रही हैं कि उनका तल्लुक इंडिया के साथ दिन ब दिन बेहतर हो या इंडिया के साथ वो लॉन्ग टर्म रिलेशन में आए? जी, इसके बहुत से वजूहात हैं। सबसे बड़ी तो मेरे ख्याल में इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है बिज़नेस के लिहाज से, और अगर आप देखें जैसे कि पाकिस्तान में यूथ काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा यूथ है, और पाकिस्तान की तरह उधर बेरोज़गारी नहीं है, वो आईटी में आगे जा रहे हैं। और सिर्फ आईटी में या और भी दूसरी भी और भी बहुत सी फील्ड्स हैं, स्पेशली आईटी फील्ड पाकिस्तान पीछे उसमें रह गया है। दूसरा टेक्सटाइल में भी पाकिस्तान पीछे है इंडिया से, बांग्लादेश से। तो आपको क्या लगता है अगर दूसरी डेवलपिंग कंट्री हैं या डेवलप कंट्री इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर कर रही हैं, इंडिया तो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, बिल्कुल साथ लगता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं ये सोच लेता कि यार मैं भी अपने अपने अपनी बेहतरी के लिए इंडिया के साथ तल्लुकात को बेहतर करूं? देखिए जी, अगर आप पाकिस्तान के दूसरे मामला देखें तो सिर्फ एक नहीं है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ भी जाना है और चाइना के साथ भी जाना है। हमारा बहुत बड़ा अलाया चाइना, तो हम लोग चाइना को तो नाराज़ नहीं ना कर सकते। चाइना को नाराज़ देखें ना, ये तो हमारी फिर गुलामी वाली सोच होगी कि चाइना ऑलरेडी इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, हमें क्यों रोकते हैं फिर ट्रेड करने से? बिल्कुल, ये पॉइंट वैलिड है आपका कि मार्केट ओपन होनी चाहिए। बिल्कुल वही ना, ये तो बात ना कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे चाइना नाराज़ होगा, तो भाई चाइना तो खुद इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। हमारे अपने पॉलिटिशियंस हैं जो इनकी गलत पॉलिसीज़ हैं कुछ, जैसा कि अभी आप कपड़े की रिसेंट मिसाल ले लें, हमारे पाकिस्तान में कपड़ा महंगा मैन्युफैक्चर होता है, तो इसलिए वो इंडिया के मार्केट को ही नहीं खोलते हैं पाकिस्तान में, बजाय इसके कि पाकिस्तान में सस्ता कपड़ा मैन्युफैक्चर करें वो इंडिया के मार्केट को रोक देंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक नाइंसाफी है इंडिया के मार्केट साथ और इसके साथ हमारी अपनी डेवलपमेंट भी अपने ना। देखें, अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इंडिया तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है और मज़ीद तरक्की की तरफ जा रहा है, उसे आई थिंक हमारे साथ ट्रेड की उस हिसाब से ज़रूरत नहीं है जितनी पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमसाया होने के नाते जैसे यूरोपियन यूनियन है, हम मुझे लगता है कि जब तक हम तमाम मुल्क है जो एशिया में, चाइना इंडिया, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठे मिलकर ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग नहीं आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। आपको नहीं लगता कि इंडिया? देखिए, मैं इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर लोगों को लग रहा है कि भारत की तरफ से कोई रोक लगाई गई है तो ये बिल्कुल गलत है। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर से हमने कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर का भविष्य तय करने के लिए कि वहाँ के लोगों को सारी सुविधाएं मिले, सारी चीज़ें मिले, वहाँ के लोग भी बेहतर ज़िंदगी जिए, तो हमने आर्टिकल 370 वहाँ से हटा दी, 35A हटा दिया। उसके बाद से जो आपके हैंडसम PM थे वो नाराज़ हो गए, उन्होंने बोला कि हम सारी तिजारत भारत के साथ बंद करते हैं जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होगा। एक पाकिस्तानी अपने दिल पे हाथ रखे और बोले कि कश्मीर का इशू जो है, जो पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर हमें मिल जाए, क्या वो मिल जाएगा आपको? इस सवाल का जवाब तलाश कीजिए। ठंडे अंदाज में देखें, आपकी कश्मीर पॉलिसी है क्या? इट सेज कि हम सियासी, सफारती और अखलाकी मदद जारी रखेंगे। इन तीनों चीज़ों को मिला लें आप, तो आप कोई भी जंग आज़ादी नहीं जीत सकते। सवाल ये, आप पहले कश्मीर की कीमत तय करें कि क्या पाकिस्तान उसके लिए किस हद तक जाएगा, क्या आप जंग करने को तैयार हैं, क्या आप बाकी पाकिस्तान को रिस्क पर डालेंगे? ये अखलाकी और सफारती उससे नहीं होता। देखिए, जंग होना तो किसी के भी वो पसंद में नहीं है, लेकिन हर जंग में हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ है, अगली जंग में भी ये हो सकता है। उन्होंने दुनिया को, आधी से ज़्यादा दुनिया को कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व है, कश्मीर में वो नहीं है जंग आज़ादी। कश्मीर तो जब भी हल हुआ ना, ये इसी बैलेंस ऑफ पावर पर होगा, जो मुल्क ज़्यादा ताकतवर होगा
आप इंडिया की भी देखिए साई की समझिए, इंडिया के लिए कश्मीर पे वो सारी फौज लगा देंगे, सारा बजट लगा देंगे, लेकिन वो इसको हाथ से जाने नहीं देंगे, नहीं मिलेगा। भारत अपनी पूरी सेना लगा देगा, पूरा अपना बजट लगा देगा, लेकिन कश्मीर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। और ये आप चार बार लड़ाई लड़के ये समझ चुके हैं, तो ये तो भूल जाइए कि कश्मीर जो है आप मुद्दा बनाते रहिए, हम कश्मीर की डेवलपमेंट करते रहेंगे। तो तिजारत यानी बिजनेस आपने बंद किया, आपके इमरान खान ने अपने पैरों को कुल्हाड़ी पे मारा। आप कहते हो कि यूरोपियन यूनियन की तरह होना चाहिए, भारत ने हर मौके दिए आपको, भारत ने आपके साथ तिजारत इतने जंगों के बाद भी आपके साथ जारी रखी, भारत ने आपको बिजनेस के लिहाज से MFN का दर्जा दिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन का। जवाब में भारत पाकिस्तान ने कभी दर्जा दिया नहीं MFN का भारत को, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बिजनेस बंद किया। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और शायद अगर आप संबंध सुधारते, कश्मीर मुद्दा ना इतना भड़काते, तो शायद आपकी स्थिति आज इतनी अच्छी होती कि आपके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्ज आपके ऊपर नहीं होता, कर्ज के मारे आपकी आवाम महंगाई का शिकार ना हो रही होती। तो गलती आपने की है, तो खामियाजा भी आप भुगतेंगे, और आपका देश बहुत बुरा खामियाजा भुगत रहा है और इससे भी बुरा होने वाला है। मेरी बात याद रखिएगा, अगले 10 सालों में देखिएगा आपके देश की क्या हालत होने वाली है। अगर नहीं सुधरेंगे, नहीं आप अपनी करतूतें बंद करेंगे, बहुत बुरा होने वाला है, ये मान के चलिए। कि फॉरेन पॉलिसीज इतनी ज़बरदस्त हैं जिसकी वजह से कोई भी मुल्क है, कोई डेवलपिंग है या डेवलप्ड कंट्री है, वो चाहता है कि इनकी पॉलिसीज़ को देख के उनको, जब इन्वेस्टर को तहफ़ मिलता है, इन्वेस्टर को सिक्योरिटी मिलती है, इन्वेस्टर को श्योरिटी मिलती है, तो वो इसलिए आते हैं इंडिया के साथ ट्रेड करने, इंडिया के साथ बिजनेस करने, और इंडिया के साथ अपने रिलेशन इसलिए बेहतर करना चाहते हैं। बिल्कुल, इंडिया एक तो ये वाला आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि इन्वेस्टर है वो सिक्योरिटी सबसे पहले देखते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इनस्टेबल है पाकिस्तान। अभी आपने देखा रिसेंट जो वाकयात हुए हैं, तो इंडिया में इंडिया की डेमोक्रेसी की बहरहाल तारीफ करना पड़ेगी, तारीफ करना पड़ेगी बिल्कुल। हमारा एक ऐसा कंसेप्ट बन चुका है कि इंडिया अच्छा करे या इंडिया बुरा करे, हमने इंडिया को बुरा ही कहना। नहीं, ये बात गलत है। इंडिया में हमारे, अगर आप पाकिस्तान क्यों बना था, पाकिस्तान बेसिकली यही इसीलिए बना था ना कि मुस्लिम्स एक अपना अलहदा मुल्क चाहते थे, इंडियन दे थॉट डिफरेंट, लेकिन अभी पाकिस्तान में वो सोच नहीं है मेरे ख्याल में। और पाकिस्तान में जो जितने मुस्लिम हैं उससे ज़्यादा तो इंडिया में है, उससे ज़्यादा तो इंडिया में, और जितने पाकिस्तान में मुसलमान कामयाब हैं या उससे ज़्यादा शायद इंडिया में बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन मौजूद हैं मुसलमानों को लेकर। शायद आप ऐसे ही है, सही कह रहे होंगे, मुझे इसका आइडिया नहीं है, स्टेटिस्टिक्स अगर मैं पढ़ूंगा तो देख सकूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है माइनॉरिटी किसी भी मुल्क में हो उसके इस्तेहसाल होता है थोड़ा बहुत, वो इंडिया में भी हो रहा होगा, वो पाकिस्तान में भी होता है थोड़ा बहुत होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लोगों की राय आपने सुनी, लेकिन मेरी राय ये है कि इंडिया के साथ कोई भी मुल्क इसलिए दोस्ती करना चाहता है, इंडिया के साथ कोई भी मुल्क इसलिए अपने रिलेशन बेहतर करना चाहता है, क्योंकि आज के दौर में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत मजबूत है। इसी बिना पर दूसरे ममालिक ये चाहते हैं कि अगर वो इन्वेस्ट करें तो इंडिया के साथ करें, अगर वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें तो इंडिया के साथ करें, और अगर दोस्ती करें तो इंडिया के साथ करें, क्योंकि इंडिया को अपनी बात पर कायम रहना आता है। प्रेशर के बावजूद, जैसे अमेरिका ने प्रेशर पिछले लास्ट दिनों में इंडिया पर दिया कि वो ट्रेड ना करे रशिया के साथ, फिर भी इंडिया ने ट्रेड की, तो इसका मतलब है कि इंडिया को अपनी बात पर कायम रहना आता है। और यही एक वजह है कि बहुत से ममालिक ये चाहते हैं कि अगर उनकी दोस्ती हो तो इंडिया के साथ हो। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो ख़त्म हो गई है, और देखिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो वहाँ की सेना है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान का कंट्रोल उनके हाथ में है, दूसरा उनकी वजह से वहाँ पर आतंकवाद पनपा, उन्होंने आतंकवादियों को पाला। आपके PM इमरान खान खुद मान चुके हैं कि अलकायदा के आतंकियों को आपकी सेना ने ट्रेनिंग दी। आप सोचिए कि जब दुनिया के देश ये सुनते हैं, ये पढ़ते हैं कि भाई पाकिस्तान की सेना ने अलकायदा के आतंकियों को ट्रेनिंग दी, जब दुनिया के देश ये देखते हैं कि UN के डेजिग्नेटेड दर्जनों से ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो क्या देखेंगे, वो क्या सेफ्टी देखेंगे, क्या आपकी छवि बनाएंगे? जब वो देखते हैं कि ओसामा बिन लादेन बहुत आराम से पाकिस्तान में अपनी जिंदगी गुजार रहा था, वो क्या छवि बनाएंगे आपकी? वो क्यों आपको टेररिस्ट स्टेट नहीं कहेंगे? वो देखता है कि आपके PM
ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को शहीद करार देते हैं, वो भी आपके पार्लियामेंट में। आप सोचिए कितनी अफसोसजनक बात है कि हजारों लोगों की जान लेने वाला आतंकवादी और आतंकवादी संगठन जो अभी भी जाने ले रहा है, उसके लीडर को आप शहीद बता रहे हो क्योंकि वो एक मुसलमान था। तो कैसी छवि बनेगी? वो सब छोड़िए, आपके चाइना जो आपका आयरन ब्रदर कहते हो वो सुरक्षित नहीं है। दासू डैम पर जो हुआ वो सबने देखा, अभी जो कराची में हुआ वो सबने देखा। जब चाइनीज सुरक्षित नहीं है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट सुरक्षित नहीं है, तो बाकी दुनिया के दूसरे मुल्क तो छोड़ ही दीजिए कि आपके यहां कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आपकी छवि जो है एक टेररिस्ट स्टेट की है, और इसके लिए आपकी सेना और आपके पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं। अगर इसके बाद भी आप लोग ये स्वीकार नहीं करेंगे और इसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपका भला नहीं हो सकता। और देखिए, ये बात सही कही है कि जितनी जरूरत आपको हमारे साथ ट्रेड की है, हमें आपके साथ जरूरत नहीं है। और मैं तो बिल्कुल इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि ट्रेड या कोई संबंध हम दोनों के बीच होना चाहिए। आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे। दुनिया में 200 मुल्क हैं, आप एक भारत को छोड़ दीजिए, बाकी 199 मुल्क से आप काम चलाइए। भारत से ही दोस्ती क्यों करनी है? हम आपसे दोस्ती का खामियाजा बहुत बार भुगत चुके हैं, 4 बार जंगे लड़ चुके हैं, मुंबई अटैक भुगत चुके हैं, पुलवामा अटैक भुगत चुके हैं, उरी, पठानकोट, लिस्ट खत्म नहीं होगी भाई साहब आपसे दोस्ती के चक्कर में। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होने चाहिए। आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे। जब आप आतंकवाद मुक्त हो जाएंगे, जब आपके यहां से सारे आतंकवादी खत्म हो जाएंगे, जब आपकी आवाम भी यह समझने लगे कि नहीं यार, अब हम उतने बुरे नहीं हैं जितना पहले थे, तब सोचा जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह काम अगले 100-200 साल में होने वाला है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।